वक्त पार और क्वेश्चन नंबर वन। इस शीट से पहले मैं चीज बता दूंगा आपको, अगर आपके पास फोर्स कांस्टेंट है तो आप वर्क डन कैसे निकालेंगे, सिंपली विदाउट इंटीग्रेशन एफ इनटू एस। अगर वेरिएबल फोर्स है तो विद इंटीग्रेशन एफ डीएक्स की इंटीग्रेशन करके आंसर आएगा, ऐसे ही होगा। अब कोई कहता है जी मेरे पास तो कॉन्स्टेंट फोर्स है तो क्या मैं इंटीग्रेशन ही लगा सकता, भाई इंटीग्रेशन तो हर जगह लगा सकता है, इंटीग्रेशन तो एक्चुअल फिजिक्स का बेसिक्स है ही है, चाहे फोर्स कांस्टेंट है या नहीं है आप इंटीग्रेशन लगाएंगे, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है और आप इंटीग्रेशन ना लगाएं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन अगर आप लगाते हैं कभी भी आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा, इंटीग्रेशन तो बेसिक्स है फिजिक्स का, तो अगर फोर्स कॉन्स्टेंट भी है और आपने इंटीग्रेशन लगा भी दी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आंसर सही आएगा। ठीक, वो हमने शॉर्टकट बना रखा है क्योंकि हम इंटीग्रेशंस अवॉइड करना चाहते हैं उन क्वेश्चन में जहां जल्दी क्वेश्चन हो जाए, इसलिए दो मेथड सिखा दिए, फोर्स कांस्टेंट है तो बिना इंटीग्रेशन के, फोर्स वेरिएबल है तो विद इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर वन क्लियर है, क्वेश्चन नंबर टू क्लियर है, क्वेश्चन नंबर थ्री एरिया निकाला, क्वेश्चन नंबर फोर। देखो फोर में करना चाहता हूं, एक मास है, कितने लोगों का हो गया फोर्थ फैसे, हो गया ऑनलाइन हो गया? नहीं सर नहीं हुआ। कृतिका हुआ? यस सर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक मास है 2 केजी का और एक्स की वैल्यू कितनी है टी क्यू बाय 3। अब वो क्या कह रहा है कि आपको वर्क डन निकालना है फर्स्ट 2 सेकंड का, पहले 2 सेकंड का वर्क डन निकालना है आपको क्या होगा। तो सबसे पहले रूल नंबर 1, एक्स की वैल्यू बताना कितनी गिवन है टी क्यू बाय 3। ठीक है, यही है। तो आपको x गिवन है और आपको मास भी गिवन है कितना 2 kg और आपको वर्क डन निकालना है इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें फोर्स वेरिएबल है या नहीं है ये कैसे पता लगेगा, क्योंकि फोर्स के लिए क्या चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। करें चेक, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो गिवन ही नहीं है। इनस्टेड ऑफ एक्सेलरेशन क्या गिवन है, एक्स गिवन है कितना टी क्यू बाय थ्री। ठीक है, तो आप एक काम करें, इसको डिफ्रेंशिएट करें 3t² / 3, तो आपके पास क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी कितनी आ गई टी स्क्वायर, एक बार और डिफ्रेंशिएट करें क्या आएगा 2t। तो एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मतलब क्या समझें कि एक्सेलरेशन वेरी कर रही है, एक्सेलरेशन वेरी कर रही है तो फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू 2 × 2t, तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी 4t। कोई डाउट इसमें, तो फोर्स कितनी एक्ट कर रही है इसके ऊपर 4t, वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। तो क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में वर्क डन का फॉर्मूला क्या करवाया था, एफ dx की इंटीग्रेशन ऐसी था। अब प्रॉब्लम ये है, फोर्स की वैल्यू यहां पर कितनी है 4t dx। अब ये नहीं बात बनी क्योंकि फोर्स किस पे डिपेंडेंट है, टाइम पे, और इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू क्या चल रही है, डिस्प्लेसमेंट। और हमें लिमिट क्या गिवन है टाइम की, कहां से कहां, 0 से लेके 2 सेकेंड। तो हम चाहते हैं इंटीग्रेशन एक्स में ना चले, इंटीग्रेशन डी एक्स की जगह डी टी में चले ताकि टाइम की लिमिट लग सके। तो जब भी डी एक्स को डी टी में या डी टी को डी एक्स में कन्वर्ट करना हो, तरीका एक ही है। क्या तरीका है, काइनेमेटिक्स में किया था, इसको डी टी से मल्टीप्लाई कर दो, डी टी से डिवाइड, एक मिनट में आंसर आता है। तो आप डी एक्स को डी टी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको क्रॉस, इसको डी टी से मल्टीप्लाई डिवाइड, इससे क्या होगा डी एक्स बाई डी टी क्या होती है, वेलोसिटी वी। इसकी जगह क्या पुट करते हो, वी इंटू कितना डी टी। वी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं टी की फॉर्म में, कितना टी स्क्वायर। तो 4t × t² dt, तो यहां से वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी 4 × t³ dt। क्लियर है यहां तक? अब देखो सब कुछ टाइम की फॉर्म में चल पड़ा और हमें वर्क डन कहां से कहां निकालना है, 0 से लेके 2 सेकेंड। क्लियर है? तो यहां से 4 × इसकी इंटीग्रेशन क्या है, टी की पावर 4/4, 0 से लेके 2 तक। आप 2 यहां पर पुट करें क्या आएगा, 16
16 जूल इज द आंसर। समझ में आया कि कैसे कन्वर्ट करना है? तो ये एक तरीका है जिसमें dx को dt में कन्वर्ट करना ही आपको आना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, ठीक के बाद क्वेश्चन नंबर 6। 6 में वर्क डन 2 मीटर से 3 मीटर तक निकालना है। क्या करें? ये 2 है, ये 3 है, तो ये f और x ग्राफ है, तो ये आप बनाएं इसके अंडर एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दें, आंसर आ जाएगा। वर्क डन निकालना है तो एरिया निकाल दें।